हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जो उसमें हम आपको थोड़ा सा आपका जो मनी होती है उसको सेविंग करने का पैटर्न बताएंगे। और अगर हम सही से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ ज़्यादातर अपने घर में, तो उसकी वजह से हमारा कम से कम 60-80% मनी बिजली के बिल के फॉर्मेट में हमारा सेव हो जाता है। तो अब आप एकदम सही समझे, हम लोग अपने बिजली के बिल को रिड्यूस करने जा रहे हैं। और हाँ, रिड्यूस करने में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिसमें हम अपने बिजली के बिल जो मीटर होता है उसको हम टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, लोग कहते हैं हम अपने मीटर को स्टॉप कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजली बिल रिड्यूस होता है। नहीं, हम बिल्कुल भी मीटर होता है उसको टच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह का हमें कोई भी चेकिंग करने आ जाए तो हमें कोई भी अपना डर नहीं होता कि भाई चेक कर लो, हमें कोई इश्यूज नहीं। अब हमें ये समझना है कि हम बिना अपने मीटर को टच किए कैसे इस बिजली की बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिड्यूस करने में सबसे पहली चीज़, क्योंकि अगर हम आज की बात करते हैं तो आज 21 है, यानी कि 21 तारीख है, और 21 तारीख के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा भी, मैं आपको रूफ पे भी लेके जाऊंगा, यानी कि छत पे भी लेके जाऊंगा, और इस रूम में भी आप मुझे देख ही रहे होंगे, जो मेरा रूम है यहाँ पे आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा, इस रूम में भी आप देख रहे होंगे, तो इस रूम में भी आपको देखिए जो टेम्परेचर का लेवल है बाहर की अपेक्षा या हमारे अदर्स दूसरे घरों के, मतलब बरकर रिड्यूस मिलेगा। इन द सेंस हमें इस समय तक बहुत सारे घरों में एसी स्टार्ट होने लगता है, जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको विजिबिलिटी आएगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, हमारे घर में भी एसी लगा है जो बंद है। साथ ही साथ मैं आपको और थोड़ा सा एम्फेसाइज कराना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा और ऊपर देखिए तो मेरे क्या फैंस लगे हैं और ये भी नहीं चल रहे हैं। ऊपर का एक और फैन है, इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फैन है, वो भी नहीं चल रहा है। तो आइए दोस्तों, हम इस ना चलने वाले फैंस और अपने बिजली के बिल को रिड्यूस करने का एक बहुत अच्छा आपको तरीका दिखाते हैं। तो अब इसके बाद हम आपको कहाँ लेके चलेंगे, अपने रूफ पे यानी कि छत पे। तो चलिए हम लोग छत पे मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम अपनी छत पे आ गए हैं, अब आपको छत दिखाते हैं। ये हमारी छत है, थोड़ी सी आपको बड़ी दिख रही होगी, वो भी आप ये कह रहे होगे अभी तो कहा था कि फैन नहीं चल रहे हैं और छत पे कुछ अच्छा सा जुगाड़ किया है। हाँ, हमारी छत काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से हम अपना जुगाड़ उस एरिया पे कर रहे हैं सबसे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म किया है। तो हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि इसमें हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल रिड्यूस होता है। तो आइए हम इसी तरह से आपको एक फ्री वाला कॉस्ट वाला आप किस तरह से जुगाड़ करते हैं उसको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा कैमरा अगर हम रोटेट करते हैं तो हम अपनी साथ में एक और छत पे आते हैं जो इसी के साथ है, हमने जुगाड़ करके रखा है थोड़ा सा। ये 100% फ्री है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर देख रहे होगे तो हमने छतों के ऊपर वो वेस्ट मटेरियल अप्लाई किया है जो हमें कहीं से भी मिल सकता है या हमारे घरों में पड़ा रहता है। या तो आपने टीवी फ्रिज रेफ्रिजरेटर खरीदा होगा तो आपको गत्ते मिल गए होंगे, या अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ये भी है एक अंडे की ट्रेस, इनको भी आप यूज़ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी छत पे जो हीट होती है, ये देखिए ये हीट वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे जितनी गर्म है वो गर्म हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो इसी तरह से हमने ये रिड्यूस किया है। साथ ही साथ एक और चीज़, कई घरों में हम लोग पास दरिया वेस्ट होती है जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, या फिर अपने अपने घरों में हमने फ्लोर के ऊपर कुछ दरी टाइप का बिछवाया होता है और उसको बाद में वेस्ट हो जाता है। तो आइए हम इसका एक और सबसे अच्छा सलूशन दिखाते हैं, और हम आपको करके भी दिखा रहे हैं कि हम इसका और क्या अच्छा सलूशन कर सकते हैं जिससे हमें इस बिजली के बिल के रिड्यूस में हेल्प मिलती है। हाँ फ्रेंड्स, आइए देखिए मैंने क्या किया है। जो मेरे पास एक्स्ट्रा दरीज थी या फिर आपके पास कुछ भी ऐसा मटेरियल जो आप अपनी रूफ पे स्प्रेड कर सकते हैं यानी कि बिछा सकते हैं, तो आप उसको बिछा दीजिएगा। एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसी चीज़ बिछाइएगा तो उसमें एक जुगाड़ ज़रूर करना है। कोई भी आपके पास लकड़ी है या फिर कोई ऐसी चीज़ है तो जिसको आप क्या करना है, इस दरी के नीचे रख देना है ताकि वेंटिलेशन जो हो, तो आपके पास यहाँ पे हॉट एयर आए तो हॉट एयर इसमें नीचे हमारे रूफ पे ना जाए, वो फ्लोट करके बाहर कहीं ना कहीं निकलती रहे। इसकी वजह से अब आपका बिजली का बिल गारंटी के साथ 60-80% रिड्यूस हो जाए, क्योंकि आप अपना जो एसी है वो ना तो आप मार्च में चलाओगे ना ही अप्रैल में चलाओगे, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी तो ही मई में और जून में आपका चलेगा, उसके बाद फिर रिड्यूस हो जाएगा।
एक और इसमें अच्छी बात बता दें, इसका क्या फ़ायदा मिलता है, मॉर्निंग में तो आपको हीट मिलेगी, चलिए हम मान लेते हैं 2 से 3 और 4 बजे तक तो आपका गर्म होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर मई जून में गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो रिड्यूस होता है यानी कि 5 और 6 क्लॉक तो हमारा फिर से एसी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमारी रूफ पूरी ठंडी होती है और जहाँ जहाँ आपने ये जुगाड़ किया होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये जुगाड़ पसंद आए और इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओरिजिनली इसका कुछ एडवांटेजेस मिला है या फिर नहीं मिला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।